सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचे, इसके लिए जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग चंबा प्रयासरत है। इसके तहत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति चंबा द्वारा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी हर किसी तक पहुंचे, इसके लिए समय समय पर विभाग मीडिया के माध्यम से जानकारी उपलब्ध करवाता रहता है। जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले जिला चंबा विजय सिंह हमलाल ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लोग निःशुल्क लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 2,76,000 गरीब परिवार जो इस योजना के अंतर्गत आते हैं उनको 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल निःशुल्क दिए जा रहे हैं। इस योजना के बारे में उन्होंने और क्या क्या जानकारी दी, आइए आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, उसके अंतर्गत 2,76,000 परिवार जो चंबा जिला में इस योजना के अंतर्गत आते हैं उनको इस वर्ष मास अप्रैल से 3 किलो गेहूं व 2 किलो चावल निःशुल्क जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये योजना पहले नवंबर तक जारी थी, अब इसके चल रही थी, इसके बाद अब केंद्र सरकार ने इसे मार्च 2022 तक जारी रखा गया है, जो कि निःशुल्क गरीबों के लिए योजना उपलब्ध है। और इसके प्रति अगर किसी को शिकायत हो जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहा है और उसको फ्री का ये राशन ना मिल रहा हो तो हमारे कार्यालय के जो दूरभाष नंबर है 222-401 उस पर वो संपर्क कर सकते हैं। और सरकार ने एक 1967 टोल फ्री नंबर भी रखा है जिस पर वो शिकायत इस बारे में कर सकते हैं। और जो गैस का योजना है उसके लिए भी अगर नहीं मिलती है तो इससे वो जानकारी वहाँ से इन टोल फ्री नंबर से ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त अब केंद्र सरकार ने एक जो सरकारी खाद्यान्न आ रहे हैं केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं उसके लिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि सरकार जो निगम के होलसेल गोडाउन है स्टेट सीड सप्लाई कॉरपोरेशन के वहाँ से लेकर एक कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों तक ये राशन पहुँचाने का निर्णय है। तो इसके अंतर्गत हमारे सभी चंबा जिला के जो गोडाउन हैं सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के 7 गोडाउन उनके लिए टेंडर हो चुके हैं और वो ठेकेदारों के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों तक राशन पहुंचाया जा रहा है। और एक गोदाम अभी मेला का बचता है जिसके लिए हमने जो टेंडर की प्रक्रिया में जो 4 टेंडर आए थे लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर पाए उसमें से कोई भी, और एक ही टेंडर था जो क्वालिफाई कर रहा था उसमें भी कुछ कमियां थी, तो उसको अब फाइनलाइज करने के लिए हमने निदेशालय को मामला भेजा गया है और जल्द ही जैसे ही वो अप्रूव रेट होके आ जाएंगे तो वहाँ भी राशन जो है वो उचित मूल्य की दुकानों के तक पहुँचाया जाएगा और इससे कोई भी पिलपरेज अब आने की संभावना नहीं रहेगी। क्या बेनिफिट रहेगा सर इससे? इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि पीछे ऐसी शंकाएं थी और ऐसा था कि भाई उचित मूल्य की दुकान धारक जो है वो होलसेल से उठा के और कई बार ऐसा है कि वो बीच में बेच जाता था, तो इस बात को रोकने के लिए ये सब किया गया। हालांकि इससे पूर्व भी एक व्यवस्था जारी है कि बायोमेट्रिक के माध्यम से जो है राशन उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जा रहा है। तो हर एक व्यक्ति जो हमारे हिमाचल में चंबा जिला में पूरे हिमाचल में है वो जो पीडीएस के अंतर्गत रजिस्टर्ड है उसका डाटाबेस में बायोमेट्रिक मौजूद है और जो व्यक्ति जिसका राशन है वही जाके अपना राशन ड्रा कर सकता है स्कैन करके या दूसरे तरीके से QR कोड से राशन देना जो है आज की तारीख में वर्जित है। तो लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट जाना जो एक्चुअल में बेनिफिशरी है जो कि उसका हकदार है उसी को ये राशन मिले, इसलिए ये व्यवस्था की जा चुकी है सरकार द्वारा। तो जो डिजर्विंग है जो जिसका हक बनता है उसी को मिले, इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये बायोमेट्रिक प्रणाली जो है सरकार द्वारा केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई है। और दूसरे एक वन नेशन वन राशन कार्ड है
जो कि पूरे हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाके अपना राशन ले सकता है, वो भी प्रक्रिया जारी है। उसमें थोड़ी सी बाधाएं हैं, लेकिन वो जल्दी जो टेक्निकल उसमें एरर आते हैं उसको हटा दिया जाएगा। लेकिन अब भी वो जारी है कि यदि चंबा का व्यक्ति कहीं बिहार में, यूपी में या महाराष्ट्र में सर्विस कर रहा है या किसी काम से बाहर है, तो वो अपना बायोमेट्रिक लगा के, क्योंकि डाटाबेस में बायोमेट्रिक मौजूद है सभी के, तो अपना राशन, अपना जो राइट है उसका राशन का, वो ले सकता है।